हाय फ्रेंड्स, आज हम जलेबी बना रहे हैं। जलेबी बनाने के लिए इस तरह से डीप एक सॉस पैन रख ली हूँ मैं। इसमें अभी चीनी ऐड कर देंगे। पहले हम चाशनी बना लेंगे। एक ही कप का इस्तेमाल करना है आपको, जो भी कप इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम 1.5 कप चीनी ऐड कर लेंगे। डेढ़ कप चीनी डालेंगे तो 1 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑन करके, हाई फ्लेम में रखी हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे चीनी को। देखिए, चाशनी में उबाल आ चुका है। इसमें उबाल आने के बाद इस तरह से पकने समय फ्लेम बंद करके इसको साइड में रख लेंगे। देखिए, इस तरह से फ्राइंग पैन लेके इसमें तेल ऐड कर लेंगे जलेबी तलने के लिए। इस तरह चौड़ा पैन लीजिए आप भी। जलेबी का बैटर बनाने के लिए इसमें एक बोल में हम 1 कप मैदा ले लेंगे। जिस कप से चीनी लिए थे ना, उसी कप से 1 कप मैदा ले रही हूँ मैं। मैदा ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा 1 पिंच फूड कलर भी ऐड कर लेंगे। अभी इसमें हम 1 स्पून घी ऐड कर लेंगे। घी ऐड करने के बाद देखिए, इनो ली हूँ मैं फ्रूट साल्ट है, इस तरह का रेगुलर आता है। 1 पैकेट लेना है आपको, दूसरा फ्लेवर का नहीं लेना है। इसको ऐड कर देंगे, 1 पैकेट को ऐड कर देंगे। इन्हें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे चीजों को। जिस कप से मैदा लिए थे ना, उसी कप से 1 कप पानी ली हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसका बैटर रेडी कर लेंगे जलेबी का। इंस्टेंट जलेबी है, बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे को मिक्स कर लेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूरा 1 कप पानी डाल दी हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी। देखिए, बैटर को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अभी ये तैयार है, अभी जलेबी बनाने के लिए इसको 1 पैकेट में डाल देंगे। एक कौन सा भी प्लास्टिक का पेपर लेके या दूध का खाली पैकेट लेके आप बना सकते हो। इस तरह से ग्लास में रख के इसको अभी हम ये बैटर इसमें डालते जाएंगे। एक कोना पकड़ के डाल लीजिएगा। देखिए, सारा बैटर मैं इसमें डाल दी हूँ। अभी इसका एक छोटा सा होल बना लेंगे हम कट करके। देखिए, बस हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे इसमें, हल्का छोटा। देखिए, तेल गरम होने के लिए रख चुके हैं ना हम, हल्का तेल गरम होते समय। देखिए, इस तरह से बस डालते जाना है। तेल ज्यादा गरम नहीं होना है, हल्का गरम होते समय ही इस तरह से जलेबी डालते जाना है आपको। जलेबी डालने के बाद हाई फ्लेम रख के देखिए, एक साइड से तल जाने के बाद उसी साइड पलट लीजिएगा। अच्छे से तल गई है और कड़क भी हो गई है। आपको बताती हूँ मैं, आवाज किस तरह से आती है इसमें करके। देखिए, प्लेट में डालते समय आपको पता चलता है कि अच्छे से क्रिस्पी हो गई है करके ये। देखिए, ये चाशनी बना के रख ले है ना साइड में, हम इसमें डालते जाएंगे इसको। बहुत आसान है, अभी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे चाशनी में, इसको भीगने के लिए। देखिए, जितने भी हैं इसी तरह से डाल के हम बना लेंगे। देखिए, हल्का फ्लेम ये करके इस तरह से बनाते जाइए जलेबी आप। 5 मिनट बाद अच्छे से इसमें सिरप चल गया है, चाशनी अच्छे से चली गई है। अब इसको निकाल लेंगे। दूसरे बनाए हैं ना, इसको भी इसी तरह से इसमें डाल लेंगे, चाशनी में डाल के सारे इसी तरह से बना लेंगे। देखिए, सारे मैं इस चाशनी में डुबो के रख दी हूँ साइड में। देखिए, लास्ट में जो चाशनी बचती है ना, इसमें आप ये शुगर सिरप रख के फ्रिज में दूसरा कुछ गुलाब जामुन कुछ मीठा बनाते तो उसमें यूज कर सकते हो। देखिए, इतने कम बैटर में इतनी सारी जलेबी बनी है। बस मैं 100 ग्राम जितना मैदा ली थी मैं। अभी जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए दोस्तों, बन के तैयार है, मैं सर्व कर चुकी हूँ। अभी जरूर ट्राई कीजिए, आपके घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे रेसिपी खाकर। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।